ये 17 सितंबर के जीके क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस जो री एग्जामिनेशन हो रही है, 16 सितंबर के क्वेश्चन जो जीके के थे उसको मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और उसको आप तक अब लोगों ने नहीं वॉच किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक को प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए 17 सितंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जीके के जो आए हुए हैं क्वेश्चंस उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था हाउ मैनी रीड्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कितने रीड्स होते हैं, तो 5 रीड्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था एस वर्ड रिलेटेड टू विच गेम्स, एस जो वर्ड है किस गेम से रिलेटेड होता है, तो ये टेनिस से रिलेटेड होता है। उसके बाद नंबर थर्ड जो क्वेश्चन था व्हाट इज नेफ्रॉन, नेफ्रॉन्स क्या है, तो ये एक फंक्शनल यूनिट है किडनी का। उसके बाद नंबर फोर्थ जो क्वेश्चन था हु इज़ द राइटर ऑफ अनअकस्टम्ड अर्थ बुक, जो अनअकस्टम्ड अर्थ बुक होते हैं उसको राइटर्स कौन थे, तो इसके आंसर होगा झुंपा लहरी, इसके राइटर हैं। उसके बाद नंबर फिफ्थ जो क्वेश्चन था हाउ मेनी लेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में कितने लेयर होते हैं, तो 5 लेयर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट में 5 लेयर होते हैं उस प्रकार। इसके बाद से नंबर सिक्स जो क्वेश्चन था हु डिस्कवर वेन डायग्राम, वेन डायग्राम को किसने डिस्कवर किया था किया है, तो वेन डायग्राम को जॉन वेन ने डिस्कवर किया है। उसके बाद नंबर सेवन जो क्वेश्चन है हु इस्टेब्लिश्ड आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज को इस्टेब्लिश किसने किया था, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ दो नामें हैं, सुभाष चंद्र बोस और राज बिहारी बोस, दोनों ही सही है, लेकिन ऑप्शन में राज बिहारी बोस नहीं था, इसलिए आपने सुभाष चंद्र बोस को टिक आउट कर दिया, जो कि सही है। लेकिन राज बिहारी बोस जो तो है वो आज़ाद हिंद फौज का जो है इस्टेब्लिशमेंट दो लोगों के लिंक्स था, दो लोगों से लिंक है, एक राज बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस। हालांकि राज बिहारी बोस ने फर्स्ट में ही इनको इस्टेब्लिश करने का, लेकिन कुछ दबाव के कारण वो फेल्ड है, बाद में सुभाष चंद्र बोस ने उसको सक्सेसफुली इस्टेब्लिश किया। तो इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस और राज बिहारी दोनों का ही नाम आता है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ही इसके जो है सक्सेसफुली इस्टेब्लिश किए थे उसको। उसके बाद नंबर एट जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुमिनियस बॉडी प्लानट स्टार सन बर्निंग कैंडल, इनमें से लुमिनियस बॉडी कौन है इसका, तो ये होगा इसका आंसर होगा प्लानट। उसके बाद नंबर नाइन जो क्वेश्चन है व्हाट इज द ओवर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड, तो वातावरण के चारों तरफ पृथ्वी के चारों तरफ जो एयर है उसको क्या कहते हैं, तो ये क्वेश्चन था एटमोसफेयर कहते हैं उसको। उसके बाद हु डिस्कवर कैथोड रे, कैथोड रे को डिस्कवर किसने किया था, तो जे जे थॉम्सन ने इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद नंबर 11 क्वेश्चन था सोडा एज इज आल्सो नॉन एज, सोडा एज को किस नाम अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद नंबर 12 जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। उसके बाद नंबर 13 जो है वन क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना से आया हुआ एक क्वेश्चन, और नंबर 14 एक क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, और 19 डिग्री लेटीट्यूड्स इज नॉन एज पोल्स, और एक क्वेश्चन ये है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो एसएससी एमटीएस में जीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह के आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस थे जिसको आप देख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, देखकर अच्छी खासी अपनी तैयारी स्टार्ट अच्छे से अपनी तैयारी जो है और मजबूत बनाइए, ताकि आने वाले एग्जामिनेशंस में आप और भी अच्छी तरीक़ा से अपने जीके के जो पार्ट है उसको अच्छे तरीके से कर पाए। तो यही था फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन जो मैंने 17 सितंबर के कुछ क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी समझा। तो कीप वॉचिंग माय स्टडी व्यू चैनल, बने रहे मेरे स्टडी व्यू के चैनल के साथ। अब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, कीप वॉचिंग माय स्टडी व्यू चैनल्स।